हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से देखिए, हम आपके लिए डेली एक करंट अफेयर्स का शो लेके आते हैं, तो आप इन वीडियोज को तो देखा ही करें। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूँ SSC, रेलवे, बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम से भी रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट हमारे सब्जेक्ट्स है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इन पर बेस्ड वीडियोज आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार बेसिस पर मिलती रहेगी, तो इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है कि DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स नैग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इन पोखरण रेंज। तो देखिए, जब से इंडिया और चाइना के बीच में LAC पर जो तनाव बना हुआ है, उसके बाद से लगातार DRDO ने इसी तरीके के मिसाइल्स को टेस्ट फायर किया है। उसमें से अब एक कौन सी है? नैग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, तो इसी पर बात कर लेते हैं। सो इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट द फाइनल ट्रायल ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी DRDO डेवलप्ड नैग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विद अ वारहेड। ठीक है, और एक कहां पे किया गया है टेस्ट कंडक्ट, तो ये भी नोट डाउन कर ले। द टेस्ट वाज कैरिड आउट एट द पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस इन राजस्थान। ये देखिए, वही पोखरण रेंज है जहां पे आज से कुछ साल पहले एटम बम का भी जो है परीक्षण किया गया था। ठीक है, तो अभी वहां पे नैग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो है सक्सेसफुली उसे टेस्ट फायर कर लिया गया है। अगर बात करें इसी ट्रायल के बारे में, ऑफ नैग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कम्स आफ्टर द DRDO टेस्टेड द हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, जिसे देखिए शॉर्ट में से संत भी है, विद अ रेंज बियॉन्ड 10 किलोमीटर फ्रॉम बालासोर टेस्टिंग रेंज इन ओडिशा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, पिछले काफी टाइम से जो है लगातार DRDO इसी तरीके से जो है सक्सेसफुली जो है काफी सारे इन्होंने मिसाइल्स को टेस्ट फायर किया है, और उसमें से एक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी टैंक मिसाइल, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, जिसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया था, जिसकी रेंज है 10 किलोमीटर की फ्रॉम बालासोर टेस्टिंग रेंज ओडिशा के अंदर। इसे भी सक्सेसफुली अभी टेस्ट फायर किया गया था, और उसके जस्ट बाद जो है ये नैक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी ये किया गया पोखरण रेंज में सक्सेसफुली टेस्ट फायर। ठीक है, अगर बात करें, सो द नैग एंटी टैंक मिसाइल इज रेडी फॉर इंडक्शन इन द इंडियन आर्मी एज इट हैज कंप्लीटेड 10 सक्सेसफुल यूजर ट्रायल एज इट फाइंड्स द टारगेट एंड देन हिट इट। तो देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सक्सेसफुल ट्रायल के बाद इसे इंडक्ट कर लिया जाता है, काफी बार ट्रायल करने पड़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट, चाहे वो रेंज चेक करने के लिए या ये जो टारगेट है उसको सक्सेसफुली जो है फाइंड करके हिट करता भी है या नहीं करता। तो इसमें 10 सक्सेसफुल ट्रायल्स जो है उसे कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद अब इसे इंडियन आर्मी के अंदर इंडक्ट कर लिया जाएगा। और डिफेंस मिनिस्टर जो एट प्रेजेंट है हमारे राजनाथ सिंह, उन्होंने DRDO और इंडियन आर्मी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है इस सक्सेसफुल टेस्ट फायर के लिए। क्लियर है? तो काफी सारे देखिए इस तरीके के, मैंने आपको लगातार हर रोज करंट अफेयर्स के शो में जब भी इस तरीके का कोई, चाहे कोई मिसाइल टेस्ट की जाती है या कोई भी DRDO से रिलेटेड अपडेट होता है, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा आपके साथ डिस्कस करूं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इस तरीके के जितने भी ऑपरेशंस या जो भी अपडेट होता है। तो मैंने आपको बताया कि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी तक भारत काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहा है बाहर की कंट्रीज में पे, चाहे वो अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया। लेकिन अब पिछले टाइम से आप देखेंगे, काफी टाइम से DRDO इस तरीके से लगातार टेक्नोलॉजी को डेवलप भी कर रहा है और डिजाइन भी कर रहा है, और ये बहुत जरूरी है कि हम डिफेंस सेक्टर में भी जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। ठीक है, चलिए, तो आप उसके देख सकते हैं विजुअल्स जब इसको लॉन्च किया गया था पोखरण रेंज के अंदर, इस नैग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को। आगे अगर बात करते हैं, तो ग्लोबल ट्रेड लाइकली टू फॉल बाय 7 to 9% इन 2020, ये कहना है अंगटाड का, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेड से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशंस की ही। सो द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आप नोट डाउन कर लें। उन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें देखिए 7 से 9% की गिरावट होगी इस 2020 के अंदर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। और आपको रीजन पता है COVID-19, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट काफी कंट्रीज ने, चाहे वो जितने भी हमारे डेवलप्ड कंट्रीज है यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर लॉकडाउन लगाए गए थे, उसके बाद इंडिया में भी अगर बात करें आपको, तो इंडिया या पूरी एशियन कंट्रीज में भी, ठीक है, या बाकी का भी अगर आप देखेंगे, सबसे पहले देखिए आपको शुरुआत तो इसकी चाइना से हुई थी, देन ये यूरोप के अंदर फैला, फिर उसके बाद अमेरिका, फिर एशिया में आप देखेंगे बहुत सारी कंट्रीज, अफ्रीका, ठीक है ना। तो इसकी वजह से आपको पता है कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो काफी हद तक गिरा है। और उन्होंने इस रिपोर्ट में ये भी कहा दैट इफ द पेंडेमिक रिसर्जेस इन कमिंग मंथ्स, क्योंकि आपको पता है विंटर का टाइम आ रहा है, दैट कुड लीड टू अ डेटेरियोरेटिंग एनवायरमेंट फॉर पॉलिसी मेकर्स एंड सडन इंक्रीज इन ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। और अगर आप आने वाले विंटर्स के अंदर फिर से इसका स्प्रेड बढ़ता है, जो कि देखिए काफी सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि इन विंटर्स में एक बार फिर से इसका स्प्रेड बढ़ेगा, तो दोबारा से इस तरीके के ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज देखने को मिलेंगी, और ज्यादा गिरावट भी ग्लोबल ट्रेड में हो सकती है। अभी तो देखिए प्रेडिक्शन 7 to 9% का है, वो देखिए आगे भी डिपेंड करेगा आने वाले मंथ्स में क्या सीन रहता है।
ठीक है, जबकि चाइना के बारे में उन्होंने कहा कि उनका जो एक्सपोर्ट है वो काफी स्ट्रॉन्गली रिबाउंड हुआ है इन द थर्ड क्वार्टर आफ्टर फॉलिंग इन द अर्ली मंथ्स ऑफ द पेंडेमिक, और लगभग 10% की ग्रोथ देखने को मिली है। और इसको लेके देखिए चाइना पर काफी जो है, खासकर अमेरिका जो है, इस तरीके के एलिगेशंस लगा रहा है कि जो COVID-19 से रिलेटेड चाइना की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं दी। क्योंकि आपको देखिए जो पहले चाइना के अंदर, तो जब अगर उन्हें पहले से पता था और अगर वो इंफॉर्मेशन ये दे देते तो ऑब्वियसली बात है बाहर की कंट्रीज जो है, क्योंकि आपको यूरोप और अमेरिका में सबसे पहले इसका स्प्रेड हुआ, क्योंकि चाइना से सबसे ज्यादा लोग जो है चाहे वो घूमने के पर्पज से या वर्क से रिलेटेड भी इन कंट्रीज में जाते हैं। तो अगर पहले से चाइना अगर इसके बारे में बता देता तो इस तरीके के जो लॉकडाउन वगैरह थे या जो बाहर की कंट्री से फ्लाइट्स वगैरह जो है पहले ही रोक दी जाती है, चाहे अमेरिका का लगातार कहना है, ठीक है। और लेकिन अब चाइना में, क्योंकि आपको पता है काफी हद तक कोविड कंट्रोल में, तो वहां पे जो है दोबारा से ग्रोथ चाहे वो ट्रेड के अंदर या बाकी विद इन कंट्री भी देखने को मिल रही है, ठीक है। और ये आपको इसका एक तो फुल फॉर्म नोट डाउन कर ले, अंकटाड की, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की। आगे अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उन्होंने वो आज रिलीज करेगा स्टैंप ऑन द 75th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अभी देखिए कुछ टाइम पहले ही जो 75th एनिवर्सरी यूनाइटेड नेशंस की ऑब्जर्व की गई है, यानी 75 साल हो गए इसको बनाए हुए यूनाइटेड नेशंस को, तो उसके लिए जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विल बी रिलीजिंग अ स्टैम्प टुडे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ऑन द ईव ऑफ द 75th एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इसके बारे में जानकारी देते हुए मीडिया को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने कहा दैट इंडिया अटैचेस हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द एक्सपेंशन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सो दैट इट रिफ्लेक्ट्स कंटेम्प्रेरी रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। और लगातार देखिए भारत का और जो बाकी की कंट्रीज है बड़ी, जैसे ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया, उनका कहना है कि जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें इंडिया को, अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो उसको एज अ फुल टाइम मेंबर होना चाहिए, ताकि जो आज एट प्रेजेंट के चैलेंजेस है उसमें देखिए इंडिया का उसके अंदर इन्वॉल्व होना एज अ फुल मेंबर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको देखिए जो फुल मेंबर होते हैं इसके, जो आपको एट प्रेजेंट 5 है, इंडिया भी इसका एट प्रेजेंट नॉन परमानेंट मेंबर है, जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके को एक तो उनके पास एक वीटो पावर होती है, यानी कोई भी अगर रेजोल्यूशन आता है उसको ये जो है खारिज कर सकते हैं उस वीटो पावर को यूज करते हुए। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है लगातार ये बात कहता है कि ये जो 5 कंट्रीज है इसके अलावा भी देखिए अब इसका एक्सटेंशन होना चाहिए, 5 मेंबर्स के अलावा भी और भी इसमें फुल टाइम मेंबर्स जो है परमानेंट मेंबर्स ऐड होने चाहिए, ताकि देखिए जो एट प्रेजेंट हमारे सामने चैलेंजेस है उसको सही तरीके से जो है वो रिफ्लेक्ट किया जा सके। क्योंकि देखिए ये 5 मेंबर्स तो बहुत पहले आज से ये फुल टाइम मेंबर बने थे, और आज के टाइम और उस टाइम में देखिए बहुत ज्यादा आपको पता है डिफरेंस है। तो इंडिया लगातार ये पुश करता है कि अब जो है इसको एक्सटेंड करना चाहिए यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स को। इसमें इंडिया तो देखिए है, इसके अलावा ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज भी लगातार ये बात करते आए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा दैट मल्टीलेटरलिज्म विल बी द की पिलर ऑफ ओवरऑल अप्रोच इन द अपकमिंग इनिंग्स ऑफ इंडिया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। और मैंने आपको ये भी बताया कि अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ था नॉन परमानेंट मेंबर सीट्स के लिए, उसमें इंडिया 2 साल के लिए चुन लिया गया है, तो उसमें इंडिया एक काफी कंस्ट्रक्टिव रोल इंडिया निभाएगा, ये बात उन्होंने कही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है। और इसके अलावा आज ही जो है 75वीं एनिवर्सरी पर यह स्टैम्प भी रिलीज की जाएगी यूनाइटेड नेशंस पर, ठीक है। आगे बात करते हैं ओडिशा के जो सीएम एट प्रेजेंट नवीन पटनायक, उन्होंने लॉन्च कर दिया है मो विद्युत पोर्टल, ठीक है। मो विद्युत आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये पोर्टल रहेगा, और द बाइलिंगुअल ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी इंटीग्रेटेड कंज्यूमर सर्विस पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय द एनर्जी डिपार्टमेंट एंड डेडिकेटेड टू द पब्लिक अंडर 5T। तो 5T के तहत ये पोर्टल को जो है वो डिजाइन किया गया है, टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये इनिशिएटिव स्टेट गवर्नमेंट जो है वहां के एनर्जी डिपार्टमेंट का है, और अब इसको यूज करते हुए जो है पीपल विल बी एबल टू अवेल एफिशिएंट, टाइम बाउंड एंड ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी। जैसे देखिए चाहे वो नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपको लेना हो, ऑनलाइन बिल पेमेंट करना हो, या और भी जैसे ग्रीवांसेज होते हैं आपका, अगर मीटर खराब हो गया आपको चेंज कराना हो, तो ये सब चीजें आप इस पोर्टल के थ्रू अब जो है अपने ग्रीवांसेज को भी सोल्व करा सकते हैं। तो ये ओडिशा के सीएम ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, आप नाम नोट डाउन कर रहे हैं, उसके विजुअल्स भी देख सकते हैं जब इसे लॉन्च किया गया था। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है वो है गवर्नमेंट अलाउज ऑल ओसीआई एंड पीआईओ कार्ड होल्डर्स टू विजिट इंडिया फॉर एनी पर्पस एक्सेप्ट टूरिस्ट वीजा। तो टूरिस्ट वीजा को छोड़ के जो है अगर कोई भी ओसीआई या पीआईओ कार्ड होल्डर अगर इंडिया विजिट करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है, चाहे वो एयर मीडियम के थ्रू या वाटर रूट के थ्रू, थ्रू ऑथराइज एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स, इमिग्रेशन चेक पोस्ट। अगर बात करें इसमें जो है चाहे वो वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइट्स आ रही हैं उसके अंदर वो आ सकते हैं, या जो एयर ट्रांसपोर्ट बबल अरेंजमेंट बनाया गया है काफी सारी कंट्रीज के साथ, ठीक है, उसके थ्रू भी जो है वो आ सकते हैं, बट ये कि टूरिस्ट वीजा नहीं होना चाहिए, बाकी और कामों के लिए जो है वो आ सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे बाकी कमर्शियल फ्लाइट्स चल रही हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा अलाउड है,
उसके थ्रू वो आ सकते हैं, ओसीआई और पीआईओ कार्ड होल्डर्स, ठीक है ना। पीआईओ आपको जैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो होते हैं। अगर बात करें, ऑल सच ट्रैवलर्स विल हाउएवर हैव टू स्ट्रिक्टली अधेयर टू द गाइडलाइंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिगार्डिंग क्वारंटीन एंड अदर कोविड 19 मैटर्स। तो कोविड 19 से रिलेटेड एक तो आपको जो कम से कम क्वारंटाइन पीरियड सर्व करना होता है वो आपको करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। तो ये सारी जो और भी गाइडलाइंस है जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो टूरिस्ट वीजा के अलावा जो है अगर कोई आना चाहता है ओसीआई या पीआईओ कार्ड होल्डर किसी काम से तो वो अब इंडिया आ सकता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे के एस्पायरेंट है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं तक्षशिला लर्निंग। यहाँ पे आप 6 मंथ्स या 12 मंथ्स का कोर्स ले सकते हैं जिसमें आपको पूरा रिकॉर्डेड वीडियोस तो मिलेंगे। इसके अलावा वीकली हम और रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, ऑनलाइन फॉर्म में ई बुक्स रहेंगी, ठीक है। आपका 1-to-1 व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा क्वेरीज को इंस्टेंटली रिजोल्व कराने के लिए, क्लियर है। तो वेबसाइट भी जरूर विजिट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अलॉट। Thank you.